नमस्कार, आप देख रहे हैं आकलन न्यूज टीवी। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज पश्चिमी दिल्ली में स्थित आर्य समाज मंदिर पश्चिम विहार के पुनीत प्रांगण में महादेव सेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों व समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित भव्य कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश के अनेक संगठनों व सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता दिखाई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी श्रीमती हीराबेन जी के देहांत के पश्चात मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी अतिथियों ने परस्पर एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया। आज महादेव सेना के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री आशीष खंडेलवाल जी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम में श्री नरेंद्र बिंदल, श्री संजय भारद्वाज, श्री विनीत अग्रवाल, श्रीमती रेणु कम्बोज की विशिष्ट उपस्थिति रही। कार्यक्रम अत्यंत हर्ष व प्रसन्नता तथा जय श्री राम व हर हर महादेव के नारों के बीच सफलता से संपन्न हुआ। तो आइए देखते हैं जोगिंदर डोगरा की एक रिपोर्ट आकलन न्यूज पर। और हमारी बहन जो मुमकानगर मंदिर में बच्चों को कि कल ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की माता जी ईश्वर के चरणों में चली गई। आज वो पुण्य आत्मा हमारे मध्य नहीं है, तो आज का कार्यक्रम हमें करना तो है, लेकिन मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि 2 मिनट के लिए हम अपने अपने स्थान पर खड़े हो और हम उस पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने उस व्यक्तित्व को जन्म दिया जो आज पूरे देश का नाम पूरे विश्व में चमका रहा है। और ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माता जी को हम नमन करते हैं। 2 मिनट के लिए हम मौन धारण करेंगे उस पुण्य आत्मा के। आपने सुना होगा एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण हो रहा है और वो मंदिर का निर्माण 8 मंजिला बोलते हैं मित्र जी, 18 मंजिला मंदिर का निर्माण श्री नरेंद्र बिंदल जी के मार्गदर्शन में ही हो रहा है। और कई बार सभी ने सुना होता है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। जब जब राम मंदिर की बात होती है तो हमें जो जुड़े हुए लोग होते हैं उनकी याद आती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ ईंटें गिरी थी और कुछ ईंटें लगी थी, उसमें नरेंद्र बिंदल जी का बहुत बड़ा अनन्य सहयोग है। और मैं आज इस मंच पे बताना चाहूंगा कि जब तक वो मंदिर रहेगा और जब तक राम जी का नाम रहेगा तो नरेंद्र बिंदल जी का भी नाम कहीं ना कहीं उससे जुड़ा रहेगा। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहा था, इवन मैंने भी ऐसा किया। मैं आपको बता देता हूँ, संजय भारद्वाज जी से भी मुझे पता चला। मैंने उन्हें कहा कि भाई ये नववर्ष तो हमारा नहीं है, आमतौर पे हम कल से ही बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं कि ये नववर्ष हमारा नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। ऐसा भी मैंने मैसेज पढ़ा, लेकिन उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया कि हमारा सनातन तो हमें सिखाता है कि हर पल एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। जिस बच्चे को लगभग 2083 में सिखाता रहा संगीत, वो आज आज मेरे बराबर हो गया। एक बार इसलिए बता देते हैं, ये बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक है, बहुत निष्ठावान है, बहुत आज्ञाकारी है, सिंसेयर है। इसलिए नहीं कि मैं पप्पे दादा जी को थोड़ा सा मखन वाले लगा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। नया साल है मंजिल ना मुश्किल हो,
न्यू ईयर।